फाइनली भारत नहीं नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार आज ओपनिंग होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईपीएल 2024 की, जो कि आज ओपनिंग होने वाला है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात वीडियो बनाने का हुआ ये कि आप पहले ये फोटो देखिए। जी हाँ, आईपीएल का जो ट्रॉफी है, देखिए ट्रॉफी सेशन किस तरह होता है। मतलब आईपीएल को यूं ही नहीं पूरी दुनिया का बड़ी लीग बोलते हैं। इस आईपीएल की ट्रॉफी सेशन आप देखिए, और मैं आपको दूसरी ट्रॉफी सेशन दिखाता हूँ, पाकिस्तानी पीएसएल की, उसको बोलते हैं ना पैजामा सलवार लीग। जी हाँ, पाकिस्तानी पीएसएल की ट्रॉफी सेशन देखिए। देखिए मतलब कोई भाई कुछ भी हो रहा है, मतलब एक तरह से फ्रेंचाइजी जो भी होता है, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग होता है, उसका ट्रॉफी देखिए भाई, जितने भी टीम है, जितने भी फ्रेंचाइजी है, उन्होंने प्रॉपर ड्रेस के साथ आके फोटोशूट किया था। दूसरी तरफ पीएसएल का देखिए तो पीएसएल मतलब कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी पहन के आ जाओ, लेकिन फोटोशूट करवा लो। जी हाँ, अब देखिए पाकिस्तानी जब फाइनल खेल रहे थे, जी हाँ फाइनल जब पीएसएल का हो रहा था, मोहम्मद रिजवान और क्या सदाब खान की टीम के बीच जब फाइनल हो रहा था, तब देखिए फाइनल का ट्रॉफी सीजन का देखिए फोटोशूट, वो ट्रक के सामने में लिटरली जाके फोटोशूट कर रहे हैं। अब बताइए मतलब पाकिस्तानियों की भाई मानसिकता कह दे, यू तो आप पीएसएल को डायरेक्ट आईपीएल से कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन इनका पीएसएल भाई कुछ लेवल का ही नहीं मैच होता है। जैसे कि आप देखिए फोटोशूट अभी देखिए आईपीएल का, भाई आईपीएल का जितना बजट है ना पाकिस्तान, मतलब आईपीएल के एक टीम के बजट में पूरा पाकिस्तान चला जाएगा भाई। मतलब कुछ भी, मतलब एक इमेजिन करिए भाई, पीएसएल का फोटोशूट देखिए, आईपीएल का फोटोशूट देखिए, उसके बाद पीएसएल फाइनल का फोटोशूट देखिए, उसके बाद आईपीएल फाइनल का फोटोशूट देखिए। मतलब पाकिस्तानी का सोच अभी भी वहीं पे, ट्रक भाई ट्रक से आगे वो निकल ही नहीं सकते हैं, और उसके बाद आईपीएल से बराबरी करना चाहते हैं। जी हाँ, बहुत सारे इस बार पाकिस्तानी को तो वाकई में मोए मोए हो गया, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिकने के बावजूद भी पाकिस्तान खेलने नहीं गए। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, डेविड वार्नर को आप जानते होंगे, डेविड वार्नर अभी दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेल रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है उनका सीजन। मैं बता रहा हूँ डेविड वार्नर पाकिस्तान कब खेलने जाएंगे, जब ठीक ठाक से संन्यास ले लेंगे क्रिकेट से, तब डेविड वार्नर जो है 5 साल के बाद जाके मतलब उनका करियर जब खत्म हो जाएगा क्रिकेट से, तब पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानी पीएसएल में खेलेंगे, और तब पाकिस्तानी बोलेंगे देखो मेरे पीएसएल में डेविड वार्नर आ गया, फलाना आ गया, ढिकाना आ गया। मतलब कुछ भी, कोई भी खिलाड़ी भाई, दुनिया का लगभग 90% ऐसे खिलाड़ी जो अपना पीक क्रिकेट, पीक का बात कर रहा हूं, पीक क्रिकेट खेल लेते हैं, तब जाके पाकिस्तान के पीएसएल में जाके खेलते हैं। जी हाँ, और पाकिस्तान की यही औकात भी है, क्योंकि पाकिस्तान इससे ज्यादा डिजर्व नहीं करता है भाई। मैं एक तो रुपया नहीं दे रहा है पाकिस्तान, मतलब पूरा का पूरा कंगाल मुल्क बोलते हैं ना, एक तो रुपया नहीं दे रहा है कोई प्लेयर को। दूसरी बात भाई, उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पे, जैसा तैसा पिच आप देख सकते हो पूरा पीएसएल सीजन, आप अगर एक दो भी मैच देखे होंगे उसका सीजन आप देख सकते हो, मतलब पाकिस्तान का कहीं भी कोई लेवल ही मैच नहीं करता है ब्रो। लेकिन वो आईपीएल से डायरेक्ट कंपेयर करने लगते हैं, इन दोनों का तो फोटोशूट से ही पता चल जाता है कि कौन किस लेवल का खेल है। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।